दोस्तों, आज हम रेडमी 6 प्रो का टच स्क्रीन चेंज करेंगे। देखिए, ये वाला हमारे पास एक रेडमी 6 प्रो आया है। इसका जो टच है वो टूटा हुआ है। ये इसमें टच होता है, ग्लास नहीं होता है, इसमें टच होता है। देखिए, इस तरह हम लोग इसको बैक कवर को खोलेंगे। ठीक है, ये सारा स्क्रू जो है खोलेंगे, फिर बैटरी को निकालेंगे। इस तरह से बैटरी को निकाल के लोग, ये जो फ्लेक्स देख रहे हैं, ये डिस्प्ले का फ्लेक्स है। ये हम हर मोबाइल में ऐसे करते हैं। देखिए, हम एक लैमिनेशन फिल्म लगाते हैं उसके टच के ऊपर, ताकि हमारा जो टूटा हुआ टच जो है वो सही तरह निकल जाए। आप लोग तो बहुत आसान तरीके से ये टच को हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, लैमिनेशन फिल्म जो है उसके साथ सारा टच, टूटा हुआ टच, कांच का टुकड़ा जो होगा सब उसके साथ निकल जाएगा। इस तरह से ये टच को देखो, हम लोग गर्म करके निकाल रहे हैं। देखें, अभी ये जो नीचे जो टॉप बॉक्स जो है इसको निकालना पड़ेगा। ये स्पीकर का जो बॉक्स है उसको निकालना। देखिए, यहाँ पे एक तो जैक है और टच स्क्रीन का जैक है। ठीक है, देखिए, टच स्क्रीन का जो जैक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले से आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ से टच स्क्रीन का जो जैक को निकाल के थोड़ा हीट करके फिर से हम इसको निकाल देंगे। देखिए, बस देखिए खुल गया है। धीरे धीरे इसको खोल देंगे। बस ये खुल गया है। अभी हम लोग ये टच को सेपरेट करेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोग इसको काट देंगे। बस देखिए निकल गया है। बस ये सारा ग्लू जो है उसको हाथ से साफ कर देंगे। बस अभी देख चेक करेंगे ये सही है या नहीं। बस देखिए, पूरा बिल्कुल सही है, सही तरह से हमारा निकल गया है। बहुत आसान प्रोसेस है, घबराना नहीं है। बस देखिए, पूरा अच्छे तरीके से इसको निकाल दिए हम लोग। पहले देखिए, ये जो पत्ता है डिस्प्ले को पत्ता से थोड़ा अलग कर देंगे। देखिए, हमको आसान होगा इसको साफ करने के लिए, या फिर इसको जो लैमिनेशन फिल्म जो OCA फिल्म है उसको लगाने के लिए आसान होगा। बस को साफ करके
ये वो ये वाला हम लोग का जो पेपर है उसी पेपर धीरे से उसको चढ़ा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, तरीका बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको ये सही तरह से निकल जाएगा। आप सब लोग भी कर सकते हो। देखो बस इस तरह इसको हम लोग फिर से हड्डी में लगा के ये वाला टच को हम सेटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से फिल्म से निकाल देंगे इसको और सेटिंग करके टच के ऊपर उसके ऊपर सही तरह से साइज में बैठा देंगे। ठीक है, देखिए ये बैठ गया है। अभी इसको हम लोग उसी मशीन में रखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग उसी मशीन में रख के प्रेसिंग करवा देंगे। देखिए प्रेसिंग कंप्लीटेड हो गया है। अभी हम लोग इसको जितना बबुल होगा हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक भी बबल नहीं रहा है। देखिए